कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बताते जा रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि यहाँ की समस्या क्या है। यहाँ जिस तरह की फतेहाबाद क्षेत्र में, जिले में जो समस्या सामने आ रही है कि नशे का इतना बड़ा एक रैकेट यहाँ पे हो गया है, हजारों नौजवान साथी, हजारों नौजवानों को सरकार ने यहाँ नशेड़ी बना दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नशा माफिया हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, वो सरकारी जो नेता हैं, अफसर हैं, उनको कमीशन देते हैं, तब ये नशा यहाँ तक आ रहा है। अगर शासन प्रशासन के लोग कमीशन नहीं खा रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिस तरह से यहाँ पे स्थिति बद से बदतर हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब, मंदिर में से चप्पल भी ना उठे अगर शासन और प्रशासन चाहे तो। लेकिन जिस तरह सीधे तौर पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, सरकार की सेह चल रहा है। भाई साहब, सरकार की सेह पे नशा है, आरोप मतलब सीधा है, इसमें कोई अड्डा टेढ़ा थोड़ी है। सीधा सीधा ये है कि सरकार द्वारा प्रायोजित ये नशा, ये इसलिए नशा है कि हरियाणा के अंदर एक यहाँ की बात नहीं है, दूध की दुकान नहीं है हरियाणा में इतनी जितनी दारू की है। क्यों है? इसके अलावा चिट्टार, फलाना हीरोइन, फलाना दिखड़ा, क्योंकि हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के युवा रोजगार मांग रहे हैं और सरकार के पास रोजगार देने के लिए कुछ है नहीं। तो जवान सरकार के खिलाफ विद्रोह ना करें, अपनी आवाज ना उठाएं, रोजगार ना मांगे, इसलिए नौजवानों को नशेड़ी बना रही है ये सरकार। आपकी पार्टी द्वारा क्या किया जाएगा नशे को लेकर? आम आदमी पार्टी के द्वारा हम तो आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलनों में भागीदारी कर सकते हैं, आंदोलन में साथ दे सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को अब से नहीं, बहुत पहले से उठा रही है कि ये जो नशे का कारोबार करने, मतलब बीजेपी में अगर कोई नशे का कारोबार करने वाला दूसरी पार्टियों में है तो फिर वो नशेड़ी, नशे का कारोबार करने वाला। इनकी पार्टी माते, मतलब जो दारू बेचने वाला है, इनकी पार्टी माते वो दूध बेचने लग जाए, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो पूरी तरह से ये शासन और प्रशासन की मिली भगत से नशा फैलाया जा रहा है, नौजवानों को नशेड़ी बना रही है ये सरकार, और इसलिए ताकि वो इस सरकार के खिलाफ विद्रोह ना